हेलो फ्रेंड्स, सुचिता इलाहाबादी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूजी से नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा। तो ये लगभग हमने एक कटोरी सूजी लिया है, ये मोटी वाली सूजी है, आप मोटी महीन चाहे जो ले सकते हैं। इसको पहले हम भूजेंगे। तो इधर पैन रख दिए हैं, गर्म हो रहा है, हमने ऑयल डाल दिया था। अब इसमें आधा चम्मच हम राई डाल रहे हैं तड़के के लिए, 10 से 12 करी पत्ते। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सरल तरीके से बनता है, बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं, आप चाहे जब ट्राई कर सकते हैं। ये राई हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी को हमको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा भूनना है बस। तो हमको लोग इसको बराबर चलाते हुए इस तरह से सूजी भूनना है। ये देखिए, इसको सूजी हमारी वेस्ट हो गई है, तो इसको हम बाउल में रख रहे हैं, ये हमने ब्राउन नहीं किया है। इधर पैन रख दिए हैं, गर्म हो रहा है, तो इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। जीरा ऐड कर रहे हैं, जीरा हमारा ब्राउन हो रहा है, बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हम अच्छी तरीके से बराबर चला दे रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन दरदरा कुटा हुआ। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये देखिए, हमारा तड़का ब्राउन हो गया अच्छी तरीके से। अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे, ये बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, हरी मटर, टमाटर बारीक कटा हुआ, इसको थोड़ा हम चला दे रहे हैं इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कद्दूकस किया गाजर, जो आपको सब्जी पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं आप। ये देखिए, सारी सब्जी हमारी इस तरह से कुक हो रही हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए हल्का सा चाट मसाला, दरबरी कुटी हुई लाल मिर्च हल्का सा, इसको बराबर चला दे रहे हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे रहे हैं हम। ये देखिए, इसको हल्का सा हम चला दिए, बराबर से पक गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। ये फैला दे रहे हैं, ठंडा हो रहा है। ये देखिए, इस तरीके से हम सूजी लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे दही 2 चम्मच। ये दही हमारी सादी है, नॉर्मल, खट्टी नहीं है। स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पहले इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका हम बैटर तैयार किए हैं। ये पानी सूजी है तो हल्का सा सोखता है, तो हम इस तरीके से इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच हम बेकिंग सोडा, इसको भी मिला दे रहे हैं इस तरीके से। अब इधर ये कटोरी ले लिए हैं, तो इसमें ऑयल लगा दे रहे हैं हम। दोनों कटोरी में ऑयल लगा दे रहे हैं इस तरीके से बराबर हम, ताकि इसमें चिपके ना जब हमारा नाश्ता बने तो। अब इसमें हम बैटर रखेंगे चम्मच से इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से रख के हम बराबर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम सब्जी रखेंगे इस तरीके से। सब्जी हमारी देखिए इस तरीके से खिली खिली बनी हुई है। ये दोनों में इस तरीके से हम सब्जियां रख दिए जो बनाए थे। अब इसके ऊपर से फिर हम बैटर रखेंगे।
देखिए इसको हम बराबर से इसे ढक दे रहे हैं। इधर हम पैन में पानी रख दिए हैं, देखिए एक गिलास गर्म हो रहा है, उसी में ये कटोरी हम इस तरीके से रख दे रहे हैं। ये देखिए इसको हम लगभग 15-20 मिनट तक अच्छी तरीके से तेज गैस करके पका लेंगे। ये ढक दे रहे हैं, ये देखिए तो हम इसको खोल के देख ले रहे हैं, 15-20 मिनट लगभग हो गया है। तो नाश्ता देखिए किस तरह लग रहा है, ये देखिए इसमें चाकू लगा हम देख रहे हैं, ये पक गया है, इसको हम निकाल ले रहे हैं। ये सूखा सूखा लग रहा है, ये देखिए। इधर चटनी बनाने के लिए हम मूंगफली और लहसुन मिर्च अदरक लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम भूंज लिए थे, इसको हम पीस लेते हैं हरी धनिया लेके। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है, मूंगफली की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट आती है इसके साथ। तड़का के लिए हम राई ले रहे हैं, करी पत्ता और हरा मिर्च। ये देखिए तड़के वाली हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब ये नाश्ता इस तरीके से जो बना हुआ है हम चाकू से चारों किनारे से अलग कर ले रहे हैं। अब ये प्लेट में इसको हम निकाल रहे हैं, देखिए आराम से निकल जा रहा है, ये देखिए। ये हमारा देखिए इस तरीके से नाश्ता बन गया है, इसको हम चाकू से कट कर लेते हैं। ये देखिए बीच में हमने सब्जी इस तरीके से रखी है, बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है, बहुत ही चटपटा बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।